आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले टीचर्स कि कैसे हम अपने मैकबुक के अंदर ओबीएस को डाउनलोड करेंगे और जो उसकी सेटिंग्स है वो सब कैसे करेंगे। तो मैंने अपना मैकबुक को कनेक्ट किया हुआ है पैनल से, जिससे आप उसका पूरा स्क्रीन मेरे बैकग्राउंड में देख पाए। और आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मैकबुक में या तो आप ओपन कर सकते हो क्रोम को, ठीक है, और वहां पे जा सकते हैं, या फिर आप सिंपली ओपन कर सकते हैं, अगर क्रोम ओपन नहीं कर रहे हैं तो आप ओपन कर सकते हैं सफारी को, ठीक है, और सफारी पे जाके सर्च कर सकते हैं। मैं अभी के लिए सफारी यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि डिफॉल्ट इंस्टॉल सभी में आता ही है। यहाँ पे लिखिएगा OBS डाउनलोड और एंटर करेगा। क्लिक करने के बाद जो पहली वेबसाइट आती है उस पर क्लिक करेगा OBS डाउनलोड की, और OBS डाउनलोड होने के बाद ओपन होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉलर मुझे पूछ रहा है मेरा मैकबुक ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया एप्पल वाला, ठीक है, चलो बड़ा कर लेते हैं और उसको करते हैं नीचे हल्का सा। और यहाँ पे लिखा है डाउनलोड इंस्टॉलर सिलिकॉन वाला या फिर इंस्टॉलर, आप कोई भी कर सकते हो, इंटेल वाला है या सिलिकॉन, मैं इंटेल करूँगा राइट नाउ। इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका अलाउ मांग रहा है, मैं अलाउ कर दिया, फिर तो डाउनलोडिंग में चला गया। हाँ, ऊपर मुझे डाउनलोड होने का नोटिफिकेशन आ रहा है कि मेरा इतना परसेंट डाउनलोड हो चुका है, मेरा डाउनलोड हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा क्लोज यहाँ से, और मैं जाऊँगा अपने फाइंडर में, जो येल आइकन होता है लास्ट वाला फेस वाला, ये होता है फाइंडर, आप उस फाइंडर में क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे अपने डाउनलोड में, और आपको ऊपर सबसे ऊपर ही आपको मिल गया है OBS स्टूडियो डाउनलोड, ठीक है, हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आइकन आ चुका है, इस आइकन को आप ऐसे ड्रैग करके अपने मेन होम स्क्रीन के ऊपर भी ला के छोड़ सकते हो और ये आपका वहाँ पे आ जाएगा। और इसको कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ओपन मांग रहा है, एक बार ओपन करते हैं, कुछ भी हो इंटरनेट से डाउनलोड कर लेगा, और ये मेरा नीचे यहाँ पे ओपन हो चुका है, मैं एक बार क्लिक कर दूंगा और ये मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये मुझे पूछा चेक फॉर अपडेट्स ऑटोमेटिकली और डोंट चेक, मैं राइट नाउ डोंट चेक पे क्लिक करूंगा, और मैं आपसे भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी चाहे विंडोज में हो चाहे मैक में हो, डोंट चेक रखिएगा, ऑटो अपडेट पे मत डालिए OBS को, ठीक है। ये आपका OBS ओपन हो चुका है, इतना ही सिंपल है इसको इंस्टॉल करना। मैं लिटरली बताऊं, विंडोज़ में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, विंडोज़ में ज़्यादा फंक्शंस होते हैं इंस्टॉल करते टाइम पे, वो इतना इजी नहीं हो पाता, बट ये जल्दी हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा साइड और हो जाता हूँ साइड में, जिससे आप प्रॉपरली विजिबली विजिबल हो पाए OBS के साथ में, अब हम क्या करेंगे, सीन्स को ऐड करेंगे, तो प्लस पे क्लिक करके, वीडियो कैप्चर डिवाइस पे क्लिक करके, ओके भी क्लिक करके, हमारा जो भी यहाँ कैमरा होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर दिस वीडियो मेरे पास फेस टाइम है, तो मैं ओके करता हूँ, मेरा फेस टाइम वाला जो कैमरा होता है, यानी कि जो मेरे सामने कैमरा है, वो ओपन हो चुका है राइट नाउ। मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है, शेयरिंग कैमरा उतार देंगे, ओके कर देंगे बस इस तरीके से आप अपना। और इसको फुल स्क्रीन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कर लिया और ये हो गया बड़ा आपका फुल स्क्रीन पर, इस तरीके से वो जो भी कैमरा होगा वो फुल स्क्रीन आ जाएगा राइट। मैं एक बार कैमरा भी ना ले लेता हूँ फेस टाइम वाला ही, तो और बेटर रहेगा फॉर दिस वीडियो, ठीक है, और थोड़ा आप अच्छे समझ पाएंगे चीज़ों को। पर मैं बंद कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, ब्लैक स्क्रीन कर दिया मैंने, लास्ट में जाके मैं इसको ऑन कर दूंगा। उसके बाद मुझे नीचे को टेक्स्ट लाइन रन करानी है, मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, ऐड टेक्स्ट पे जाऊंगा, ओके पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो भी टेस्ट लाइन रन करानी है। हेलो सर, आकाश दिस साइड, ठीक है, और नीचे फॉन्ट में चलते हैं, 256 GB, ओके, 256 को मैंने छोटा कर दिया है। कलर वगैरह आपको लेना आप ले सकते हो, ठीक है, ड्रॉप शेड वगैरह देनी है वो भी दे सकते हो, राइट नाउ मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगा, ओके करके छोड़ दूंगा इसको, नीचे की तरफ चले जाऊंगा, देन यहाँ पे मैं इस पे स्पेस बार से इस ब्लैक वाले को फुल कर दूंगा, और फुल करने के बाद यहाँ मैं जाऊँगा फिल्टर्स में, प्लस पे क्लिक करूँगा, स्क्रॉल पे क्लिक करूँगा, ओके करके एक स्क्रॉल का फिल्टर्स में ऐड कर दूंगा बस, और ये जो मेरा टेक्स्ट है वो स्क्रॉल भी होने लगेगा राइट। एंड इसके बाद अगर मुझे कोई इसमें ऑडियो ऐड करना है, तो ऑडियो इनपुट कैप्चर में जाके ओके पे क्लिक करके
जो भी मुझे अब माइक्रोफोन यूज़ करना है वो माइक्रोफोन में सेलेक्ट कर लूँगा, ओके पे क्लिक कर दूँगा, और इसमें भी फिल्टर लगा लेंगे, फिल्टर होगा नॉइस सपेशन का, ओके कर देंगे एंड बस क्लोज़ कर देंगे। ये नॉर्मल सेटिंग्स थी, इसको मैं बंद कर दूंगा यहाँ से। इतना ही सेटिंग करना था OBS के अंदर, और आपका जो भी सेटिंग करने के बाद कैमरा माइक्रोफोन नीचे टेक्स्ट लाइन है वो दोनों तीनों चीज़ें सेट हो गई हैं, ठीक है। और अपना ऐसे OBS के अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको जो रिकॉर्डिंग है वो आपकी मूवीज़ वाले फोल्डर में जाती हैं, मैं एक बार दिखा दूंगा कैसे आपको दिखाई देंगी। एंड सेटिंग में जाके अगर आपको आउटपुट में जाके कुछ और सेटिंग्स चेंज करनी है, लाइक फॉर्मेट चेंज करना है किस फॉर्मेट में वो रिकॉर्ड हो, क्योंकि MKV में आई थिंक इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप MOV कर लीजिएगा, ठीक है, ओके कर दीजिएगा। एंड सेटिंग में जाके वीडियोस में जाके आप अपना फॉर्मेट भी सेट कर सकते थे, आउटपुट रेजोल्यूशन अभी 720 का है, मैं से 180 करना चाहूँ तो मैं से 180 कर दूंगा, ठीक है। अप्लाई करके ओके कर लेते हैं, तो राइट नाउ मेरा जो रेजोल्यूशन है 1080 में है। अब जो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं वो सेव कहाँ होंगी उसको भी देख लेते हैं। नॉर्मली मैं इसके लिए एक सेटिंग करता हूँ, सेटिंग में जाएंगे हम लोग, सबसे पहले सेटिंग से पहले ना एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे, राइट। एक मेरे डीजे नाम से फोल्डर भी क्रिएट किया हुआ है, बट इसके अलावा भी एक और यहाँ पे ना फोल्डर, ये सी फोल्डर में डाल देंगे, ठीक है। क्या करना है, सेटिंग में जाना है, बस आपको जाना है अपने आउटपुट में, ब्राउज पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके डीजे वाला फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, करके छोड़। अब जो भी मेरी रिकॉर्डिंग्स हो रही है, मान लीजिए मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया, वो रिकॉर्डिंग डायरेक्टली मेरे इस फोल्डर में जा रही होगी, मैं इसे स्टॉप करूंगा, स्टॉप हो गया, डिजिटल फोल्डर क्लिक करूंगा, यहाँ पे वो वीडियो मेरी आ गई, ये MOV फाइल में हुई है जो मैंने अपना फॉर्मेट अभी चूज किया था, राइट। तो देखिए आप अपनी कोई भी फाइल को रिकॉर्ड कर सकते हो, और अच्छी क्वालिटी करनी हो अपनी वीडियो में, आउटपुट में आके यहाँ पे सेम स्ट्रीम की जगह हाई क्वालिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा और ओके भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब जो वीडियो क्वालिटी थोड़ी और एनहेंस्ड हो जाएगी, इस तरीके से आप इजीली अपनी वीडियो क्वालिटी एनहेंस कर सकते हो और उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो। OBS की मेजरली जितनी भी सेटिंग्स थी वो सब हमने इसमें देख ली है, फाइल कैसे सेव करना है, फाइल कहाँ ओपन होगी, वो सब कुछ भी देख लिया है। आई थिंक इसके अंदर अभी तक कुछ ऐसा सच नहीं रह रहा होगा, बट कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।